हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गेल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट पोस्ट निकला हुआ है। सब कुछ मैं अभी वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के, यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट जो है 2 जूनियर इंजीनियर के, मैकेनिकल के है 1 एंड फोरमैन के लिए 6, फोरमैन के लिए 25, फोरमैन मैकेनिकल के लिए 2, फोरमैन सिविल के लिए 22, जूनियर केमिस्ट के लिए 10, जूनियर सुपरेंट के लिए 5 एंड जूनियर सुपरेंट एजर के लिए 2 एंड टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए 17। तो दोस्तों, इसके साथ साथ और भी पोस्ट जो कि यहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 6, टेक्निकल टेलीकॉम टेलीमेंट्री के लिए 14, असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज पार्केज के लिए 1, अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो कि यहाँ पे आपको 10, मार्केटिंग असिस्टेंट के 21 एंड असिस्टेंट एचआर के लिए 2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो कि वैकेंसी निकला हुआ है 160 पोस्ट यहाँ पे जो कि निकला हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या है इसका जो एप्लीकेशन की डिटेल्स है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके साथ 8 ईयर्स के आपको जो कि एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जूनियर मैकेनिक इंजीनियर जो कि मैकेनिकल में है, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल प्रोडक्शन जो कि 55% मार्क्स आपको यहाँ पे लाना होगा। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए भी आपको सेम 8 ईयर्स के आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जो है फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 60% मार्क्स आपको लाना होगा, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स के आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है फोरमैन इंस्ट्रक्शन फोरमैन के फिर से जो पोस्ट है यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिकल जो इसके लिए भी आपको 2 ईयर्स के आपका जो कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद फोरमैन मैकेनिकल है जो कि जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इंजीनियर इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल, जिसके लिए भी आपको 2 ईयर्स के आपके एक्सपीरियंस चाहिए। फोरमैन के सिविल के लिए आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल मिनिमम 60% मार्क्स आपको गेन करना हो, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ 2 ईयर्स के आपको यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जूनियर केमिस्ट के जो कि है फुल टाइम मास्टर डिग्री MSc इन केमिस्ट जो कि है, इसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स के जो कि एक्सपीरियंस चाहिए, तब उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है जूनियर सुपरिंटेंडेंट जिसके लिए फुल बैचलर डिग्री हुई 55 मार्क्स, उसके साथ साथ 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर सुपरिंटेंडेंट एजर के लिए आपको बैचलर डिग्री 55 मार्क्स आपको लाना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। 2 ईयर्स के आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है टेक्नीशियन मैकेनिकल जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक पास, उसके साथ साथ ITI ट्रेडमैन के लिए 2 ईयर्स के आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। उसके बाद है टेक्नीशियन इंस्ट्रक्शन जिसके लिए आपको मैट्रिक ITI ट्रेडमैन आपको चाहिए, उसके साथ आपको 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे और भी जो पोस्ट है आप लोग एक बार देखने ना यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एज लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो कि एक्सटेंड होगा जो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PW जनरल के लिए 10 एंड PW OBC NCL के लिए 13 एंड PW SC ST के लिए 15 ईयर्स के आपको एज लिमिट की एक्सटेंड जो कि होगा। इसके साथ साथ सैलरी रहेगा आपको ग्रेड S7 पे स्केल रहेगा 16,300 से 30
8000 पर मंथ, उसके साथ S5 के लिए 14500 से 36000 और S3 के लिए 12500 से 33000 आपको जो कि यहाँ पे सैलरी मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 50% 50 रुपीज़ की आपको जनरल OBC वालों के लिए आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ की आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन के लिए मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके जिसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। ध्यान रहे 30 नवंबर 2018 तक इसका लास्ट डेट है और एप्लीकेशन के डेट जो कि शुरू हो गया है 14 नवंबर 2018 तक। दोस्तों आज की वीडियो यही पे है गेल इंडिया लिमिटेड के। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू।